हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करने वाले हैं कि आज है संडे और हम लोग कौन सा टेस्ट देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को आज समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लगातार पूछते रहते हैं कि भैया टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कैसे परचेज करना है, क्या क्या। तो मैं आप सब लोगों से आज दो तीन बातें बोलूंगा। अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो मैं एक बार नहीं, आपसे हज़ार बार एक बात की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भैया प्लीज़। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इतना ही ज़्यादा व्यूज़ का लालच होता तो क्या मैं आपको ये नहीं कहता कि सारी वीडियोज़ देखो। मैंने कभी कहा आपसे कि सारी वीडियोज़ देखो? मैं हमेशा क्यों कहता हूँ आप लोगों से कि सिर्फ 18 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट देख लो, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि यार क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, तब तक आप अपनी सफलता के जो चांसेस हैं उन्हें कम करोगे, ना कि बढ़ाओगे। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आप लोगों से एक बार नहीं हज़ार बार कह चुका हूँ कि प्लेलिस्ट को प्लीज़ इग्नोर मत करो, उसे देख लो, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैंने ऐसे क्यों कहा एक बात बताओ, मैं तब से कह रहा हूँ, तब भी जो टेस्ट वाली वीडियो है जिसमें मैंने टेस्ट के बारे में बताया, उसमें अभी तक 6 से 7 हज़ार व्यूज़ हैं। तो सीधी सी बात है, जब टेलीग्राम पे हमारे 8.5 या 9 हज़ार लोग हैं तो मतलब सीधा सही है कि आप लोगों ने देखा नहीं है, और कुछ लोगों ने दो बार भी देखा होगा। तो कहने का मतलब सीधा सही है कि उन बच्चों ने अभी तक ये नहीं देखा है कि टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, इस तक का पता नहीं है आप लोगों को। अब एनालिसिस कैसे करना है उस पर भी चलो वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अब जो आप टेस्ट देने जा रहे हो, मैं आप लोगों से एक बार नहीं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ नया पढ़ने से 100 जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने आज तक पढ़ा है उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना और फिर उस चीज़ से अपना आउटपुट निकालना। आप मुझसे कहोगे भैया टारगेट कम कर दो, मैं टारगेट कम कर दूंगा, लेकिन अगर आपने उसे हिस्ट्री समझ लिया, या मान लो जो अपने आप ही नोट्स बनाए हैं टारगेट के, अगर आप वो वाले नोट्स कवर नहीं कर पाए या उन्हें भूल गए, या वो कॉपी रखी की रखी रह गई, आपकी नोटबुक रखी की रखी रह गई, तो आप ये मान के चलिए कि आप सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। मैं इस चीज़ को सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने टारगेट में सिर्फ चुनिंदा चीज़ें कराई हैं, और उसे भी अगर आप ये छोड़ के कि भाई पुराना हो गया, आप नया पढ़ते, आप इस चीज़ को मान लीजिए कि जो आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और उसी से सारे क्वेश्चंस लगभग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो तभी देखने को मिलेंगे जब आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे। जो बच्चे कहते हैं ना कि मेरा क्वेश्चन गलत होता है भैया, एक्यूरेसी नहीं आती, एक्यूरेसी ना आने का सबसे बड़ा कारण है जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन चीज़ों को छोड़ के आप नए नए टीचर्स के पास, नई नई वीडियोस, नई नई चीज़ें, नई नई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो। आपको जितनी चीज़ें कराई गई हैं, अगर आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बेस्ट आउटपुट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एक बार नहीं आपसे कई बार कहा कि प्लीज़ पूरे पेपर को देखने की कोशिश करें करो। अब बच्चे कहते हैं कि भैया मैं तो जा ही नहीं पाता। अरे कैसे नहीं जा पाते, आप रुको ही मत। अगर आपको पहली बार में लग रहा है कि यार ये पेपर ये टाइम लेगा ये वाला क्वेश्चन, तो उस पर रुको नहीं, सीधे निकलते चले जाओ, क्योंकि पेपर देखना ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में अटकना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो पहली नज़र में क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हें करते चले जाओ, लास्ट तक जाओ। आपने अगर ये वाली चीज़ भी सुधार ली ना, ये वाली चीज़ भी इंप्रूव कर ली, तो आप ये मान के चले कि अपने 5 से 10 नंबर बढ़ा लोगे। जो लड़के नहीं कर रहे हैं उनके लिए बोला है मैंने, ऐसा नहीं है जो लड़के इसे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे इस तरीके से, उन लड़कों के लिए बोला है जो लड़के लास्ट तक मार्क्स नहीं देख पाते थे, या जो लड़कियाँ लास्ट तक मार्क्स कह रहा हूँ मतलब लास्ट तक जो क्वेश्चंस नहीं देख पाते थे, अगर आप लास्ट तक क्वेश्चन देखोगे तो 100% आपको रिजल्ट इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि जैसे मैं कहता हूँ लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, बड़े आराम से क्वेश्चन बनते हैं, और ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किया करो, अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ किया करो। अब बार बार कहते हो कि ये भैया कैसे यूज़ होगा, मैंने जो अपनी मैं 18 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट को बोलता हूँ उसके अंदर जाके देखो कि टेस्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, उसमें मैंने बाय एग्जांपल समझा रखा है आपको कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट कैसे अपनाना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे लगाना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सच सच बताओ कि आपने अभी तक कितने टेस्ट दिए हैं? कम से कम 10 टेस्ट तो दिए ही होंगे। कितने? 10 टेस्ट तो दिए ही होंगे, या अभी तक 10 टेस्ट भी नहीं दिए? अगर आपने 10 टेस्ट दिए हैं तो आप उस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आपने कम से कम, मैं मानता हूँ 10 टेस्ट का मतलब होता है 100 क्वेश्चन पर टेस्ट, मतलब 1000 क्वेश्चन, और जब आपने उसका एनालिसिस किया होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कम से कम 5000 क्वेश्चन जिस बंदे के पास हैं, और वो वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, अगर वो बच्चा उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेगा तो आपको क्या लगता है कि उसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे?
और 10 टेस्ट नहीं किए अब तक। जब हम हर हफ्ते 10 टेस्ट, हर हफ्ते 2 टेस्ट लगाते हैं, तो अब तक हम कम से कम 20 से 25 टेस्ट कर चुके हैं। मतलब आपके पास इकट्ठा हो चुका है कम से कम 20,000 क्वेश्चंस, 10,000 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस जिस बच्चे के पास हो रखे हैं। अगर वो उस चीज को छोड़ के जो उसने बार बार पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ जिस चीज से आप गुजर के आ रखे हो, जो चीज आपने पढ़ रखी है, अगर आप उसे बार बार पढ़ोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैंने बता दिया कि ये वाली चीजें तो करनी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट बुक परचेज करो, जो आपका मन करता है वो टेस्ट सीरीज परचेज करो, लेकिन टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप ये मानो यार कि अगर आपका एक नंबर भी बढ़ाना टेस्ट सीरीज देने से, एक नंबर भी, और उस नंबर की वजह से सिलेक्शन रुक गया, एक बच्चे का नंबर बढ़ा और बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, टेस्ट सीरीज देने से मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसका तो पूरी पूरी गारंटी है। क्योंकि खुद सोचो यार, जो बच्चा टेस्ट लगाता है वो पूरे हफ्ते बड़े अच्छे से पढ़ता है, क्योंकि हम अब तक चल रहे थे 4:2:1 पे, अब इसे हम चेंज करेंगे, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास रिविजन का बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है, इसलिए रिविजन का टाइम बढ़ाया जाए। तो टेंशन मत लो, टारगेट का टाइम कम करके रिवीजन का टाइम बढ़ा देंगे, मुझे पता है, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी चीज होती है, टारगेट वारगेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा है उस चीज को याद करना। तो उस चीज की टेंशन मत लो, कर देंगे, जैसा आप बोलोगे उस चीज पे चलेंगे, लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो जिस बच्चे ने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है, आपका अगर एक मार्क्स भी बढ़ता, आपको लगता है ना कि मेरा एक मार्क्स बढ़ेगा, तो आप उस एक मार्क्स के लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करो। ज्यादा किताबें नहीं पढ़ो, जितनी किताबें आप लोगों ने ले रखी हैं, जो बता रखी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास हैं, इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, और लास्ट टाइम पे तो जब सिलेबस निपट लेगा उस टाइम पे तो टेस्ट सीरीज लगानी है। तो एक बात बताओ, जब आपको उस टाइम पे भी लेनी है तो आप अभी क्यों नहीं ले लेते? एक बच्चा एग्जाम के टाइम पे किताब लेता है, एक बच्चा स्टार्टिंग में ही जैसे ही उसका सेमेस्टर शुरू होता है तब किताब लेता है, बताओ किसे बेनिफिट है? भाई किताब तो दोनों को लेनी है, पैसा भी बराबर खर्च करना है, तो आप बाद की चिंता क्यों कर रहे हो? अभी क्यों नहीं ले लेते उस चीज को? जब आपको 6 महीने किताब पढ़नी है तो उसे अभी क्यों नहीं लेते? आप बाद में क्यों लेते हो? करंट अफेयर्स की बुक थोड़ी है जो लास्ट टाइम पे ली जाएगी। स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज अभी ले लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इतने टेस्ट नहीं लगा पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है जल्दी जल्दी में। अभी आप टेस्ट लगा लोगे, एनालिसिस करने का भी टाइम है, सब कुछ है, और ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। मैंने आप लोगों को बताया इस टाइम पे 18 मंथ्स के लिए शायद इनका भी पास हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। 270-280 रुपये में आप 18 महीने टेस्ट लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 18 महीने के लिए मैं मानता हूँ 60-70 पैसे पर डे पड़ रहा होगा, इतने का तो आप गगन गुटके खा लेते होगे। खा लेते हो क्या गगन? खाता कोई मत खाना, ठीक है, कोई फायदा नहीं है उससे। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि भैया मैं मतलब गुटखा खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेडिकल में? भाई ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो? वैसे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन फिर भी संभल जाओ, ये चीज़ें करने का कोई फायदा तो है नहीं। दारू तो बेटा पीना ही मत, पता चला पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया और दारू पिए पड़े हो, नौकरी चली जाएगी, ये ध्यान रखना। रेलवे में दारू वारू का ऐसा चलता नहीं, छुट्टी में कर सकते हो, लेकिन अरे क्यों पीनी है, कड़वी तो लगती है, पी है क्या भैया आपने? नहीं नहीं मतलब सुना है मैंने, चलो छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आगे हम किस तरीके से लेके चलेंगे चीज़ें। मैं बोर्ड पे आने वाला हूं बहुत जल्दी, और आप लोगों को अब बोर्ड पे लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं भी चाह रहा था कि यार जल्दी से जल्दी बोर्ड पे आ जाए, अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी बन के आ रही है, तो हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें अब व्हाइट बोर्ड पे मिलना शुरू हो जाए, तो ये अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। फिर अब बात करते हैं टेस्ट की, कौन सा टेस्ट आप लोगों को लगाना है। तो आपको टेस्ट पहले परचेज करने के बारे में बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया उन्हें कैसे परचेज करना है। टेस्ट बुक ऐप ओपन करोगे, 3 लाइनें आएंगी उस पर क्लिक करना, फिर नीचे पास का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना, फिर वहां पे से सेलेक्ट करना कि कौन सा करना है, तो आपको लिखेगा गोल्डन टिकट, गोल्डन टिकट यही 18 महीने वाला, इस पर क्लिक करना, नीचे अप्लाई कोड करना, GSP10 यूज करना, आपको 280 में मिल जाएगा, और बड़े आराम से आप 18 महीने तक टेस्ट लगा पाएंगे। आगे LP का एग्जाम भी आने वाला है, बहुत सारी चीजें होंगी, फिलहाल इस एग्जाम को आप टारगेट करो, ये नौकरी आपको बहुत सारी संभावनाएं आगे निकाल के देगी। बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, GDC का, LDC का, आप लोग अगर एक बार एंटर कर गए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। चलिए तो अब बता देता हूं टेस्ट कौन सा लगाना है। तो टेस्ट, फुल टेस्ट नंबर 34 आप लोगों को लगाना है, और प्रीवियस ईयर जो 4 अक्टूबर को टेस्ट हो रखा है 34 नंबर का, ये वाला टेस्ट आप लोगों को लगाना है। ये दोनों टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से। अगर आपको लगता है कि भैया टाइम कम पड़ रहा है तो मैं एक दिन और दे दूंगा, लेकिन एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होनी चाहिए। आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, बोर्ड पर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चलेंगी, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, उसकी टेंशन मत लेना, मैं कराऊंगा वो,
ठीक है, और वो मैं अब बोर्ड पे आ जाऊंगा तो आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो मैं समझा दूंगा, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे पाइप एंड सिस्टम हो, चाहे आपकी ज्योमेट्री हो, चाहे आपके कथन निष्कर्ष हो, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आप लोग टेस्ट दो, बेस्ट ऑफ लक और इन्जॉय करा करो। ये मत सोचा करो कि यार मतलब बोरिंग हो रहा है, 90 मिनट्स पूरे के पूरे यूटिलाइज करने। अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है मुझे, चाहे कि वो कितना भी इंटेलिजेंट है, अगर वो 90 मिनट से पहले पेपर अपना सबमिट करता है तो वो सबसे बड़ी भूल कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यार तुम्हारे पास 10 मिनट बचने ना, आप अपने क्वेश्चंस देखो, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट दिखेगा और वो वाला क्वेश्चन आप सही कर लोगे। इसलिए अपने आपको इंटेलिजेंट किसे दिखाना है, अच्छी बात हो, आप 10 मिनट पहले पेपर छोड़ के चले जाओगे, किसे दिखा लोगे, क्या कर लोगे आप लोग 10 मिनट बचा के? अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लोगे हैं भाई? ये एग्जाम के टाइम में कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लड़कियां लड़के, कि पेपर छोड़ के पहले चले जाएंगे। बस किसे दिखा रहे हो वे? जब रिजल्ट आएगा ना तो रिजल्ट के मार्क्स दिखेंगे, ये नहीं पूछेगा कोई कि पेपर एक घंटे में करा था कि डेढ़ घंटे में करा था। समझ आ रही है? पूरा डेढ़ घंटा यूटिलाइज करें करो लास्ट तक, स्टार्टिंग से बैठ के लास्ट तक, ठीक है। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी। एग्जाम की डेट अनाउंस होने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ठीक है। एक बार ये सिलेबस कंप्लीट होने दो, फिर क्रैश कोर्स शुरू होगा, और ऐसा क्रैश कोर्स चलेगा कि आप बड़े आराम से इतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। वैसे तो बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट दे ही रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की, लोगों को बता रखी है, वो वाली बुक्स आपके पास हैं। मैंने भी एक दो बुक्स और ऑर्डर की हैं, वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी, देखूंगा अगर उनका कंटेंट अच्छा होता है तो वो वाला कंटेंट भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।